हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है गाड़ी की नंबर प्लेट पर A/F का क्या मतलब होता है। कई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर A/F लिखा होता है, जिसका मतलब होता है अप्लाइड फॉर। लेकिन क्या आप इसका मतलब और कारण जानते हैं? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। गाड़ी नई हो या पुरानी, प्रत्येक को मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी 2-व्हीलर, 3-व्हीलर या 4-व्हीलर जब शोरूम से निकलती है, तो उसे एक टेम्पररी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्पररी नंबर नहीं दिया जाता है, तो उसकी नंबर प्लेट पर A/F लिख दिया जाता है। A/F का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। इसका मतलब होता है गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक गाड़ी की परमानेंट नंबर नहीं मिल जाती है, तब तक उसकी नंबर प्लेट पर A/F लिखने की छूट दी गई है। यदि आप A/F लिखी हुई नंबर प्लेट की गाड़ी को 1 सप्ताह से अधिक चलाते हैं, तो ऐसा करना गैर कानूनी है, क्योंकि RTO ऑफिसर ने आपको A/F लिखने की सुविधा तब तक ही दी है जब तक आपको परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता है। जैसे ही आपको परमानेंट नंबर अवेलेबल हो जाता है, आपको अपनी नंबर प्लेट पर परमानेंट नंबर ही लिखवाने होंगे। लोगों में एक गलत धारणा यह है कि वो लंबे समय तक अपने नंबर प्लेट पर A/F दिखाकर चल सकते हैं और पुलिस कुछ नहीं कहेगी। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला गाड़ी चलाना एक अपराध है। नियम तो यह है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर अपने परमानेंट नंबर प्राप्त कर लेने चाहिए। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं देता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठना बहुत लाजमी है कि सरकार व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लेकर इतनी सतर्क क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध, अपहरण, आतंकवाद, एक्सीडेंट करने के लिए ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करे जिसका कि कोई नंबर ही नहीं आया है। ऐसी हालत में मुजरिम को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सरकार जोर देती है कि नए व्हीकल का जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि किसी भी जुर्म में मुजरिम को पकड़ना आसान हो। इसलिए सुरक्षा चिंताओं को लेकर ही मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराए जाते हैं, और 1 सप्ताह के अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है। आजकल तो और भी फास्ट काम होने लगे हैं, आपको साथ ही साथ शोरूम में ही परमानेंट नंबर मिल जाता है।